क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। किशनगंज में भाजपा के जिला महामंत्री बिजली प्रसाद सिंह बिहार सरकार के विरोध में जमकर बरसे। बिजली प्रसाद सिंह ने बताया कि मानव बल कर्मियों के कारण बिहार में 24 घंटा बिजली उपभोक्ताओं को मिलता है, लेकिन कभी मानव बल के कर्मी ने दिन और रात को नहीं समझा। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने कार्यकाल में मानव बल की कर्मी अपने अधिकार से वंचित है। विभाग की ओर से कर्मियों को हर चीज का सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी से लेकर अफसर तक भ्रष्टाचारियों के कारण मानव बल कर्मियों को उचित वेतन भी नहीं मिलता है। खबर नालंदा से है, जहां धूमधाम से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 108 कन्याएं अपने सिर पर कलश रखकर गांव के देवी मंदिर से निकलकर सोयाबा नदी पहुंचे, जहां पर वो कलश में जलभरी करते हुए भक्ति गीतों पर झूमते हुए देवी स्थान पहुंचे। वही उप मुखिया प्रतिनिधि निरंजन कुमार ने बताया कि गाँव में सुख शांति और समृद्धि के लिए 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जबकि इस मौके पर सरस्वती देवी, फूलो देवी और गाँव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। कलश यात्रा की अखंड का आयोजन किया गया है, उसमें हम सोयबा पर यहाँ से गए, सोयबा पर से जल उठाए हैं। कहाँ से कहाँ गए? माफी ग्राम से सोयबा पर गए हैं। अब सोयबा पर से लेकर के जल 108 कन्या को लेकर के हम आए माफी। इसमें डीजे भी है, बेंजू है, ढाक है और सबके लेकर के हम अपना शुभ यात्रा को अथी किए हैं। हरि कीर्तन अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम लोग कलश यात्रा भव कलश यात्रा का शुभारंभ किए थे और यहाँ से माफी से लेके और बाढ़ उमानाथ से हम लोग जल उठाए और वहाँ से फिर हम लोग प्रस्थान किए और 108 कुमारी कन्या है ना इस कलश यात्रा में भाग ली और ये कलश यात्रा हम लोग को शोभनीय रहा। खबर नालंदा से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ने कई बेघरों के सपने को साकार किया है। पीएम आवास योजना की लाभार्थी सरिता देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए एक वरदान जैसा साबित हो रहा है। लोगों के लिए खुद का पक्का मकान बनाना लगभग असंभव था। जब बारंदी पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 8 का जायजा लिया गया तो गाँव की रहने वाली सरिता देवी और आशा देवी से मुलाकात हुई, जबकि आशा देवी ने बताया कि पीएम आवास योजना गाँव के मुखिया की ओर से मिला है, जिसमें 1,20,000 किश्तों में मिला है, जिससे 2 कमरे, 1 बरामदा और 1 शौचालय तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए अब किस प्रकार से रह रहे हैं? अब रहे ठीक है, बन गया था, इतना दे दिया था, हो गया। आओ, खुश हैं? हाँ खुश हैं। प्रधानमंत्री को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आगे रहेगा, आगे के लिए बढ़ेगा, गरीबों के लिए दिया है, सुखी रहेगा। मतलब इसी प्रकार की योजना लाते रहे गरीबों के लिए। कौन सा आवास योजना है ये? प्रधानमंत्री। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? मजदूरी काम करते हैं। कहाँ? ये कर रहे हैं, बरामदी में कर रहे हैं मजदूरी। मजदूरी काम करते हैं। कितने परिवार हुए? 5 परिवार हैं। तो सारा परिवार को आप ही
भरण पोषण करते हैं। तो ये बताइए पहले आप लोग कैसे रहते थे? पहले मट्टी घर था, पानी पड़ता था, चूता था, मतलब सही से नहीं रह पाते थे, सही से रह नहीं पाते थे। अब कैसा आप जीवन यापन कर रहे हैं? अभी ठीक कर रहे हैं। क्या आप प्रधानमंत्री को शुभकामना देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हमारे घर बनाए इसीलिए शुभकामना पूरा देना चाहते हैं पूरा दिल से, मतलब खुश हैं। खुश हैं। कुछ और प्रधानमंत्री को बोलना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आप आगे बढ़ें कि हमारे सब का रोजगार आगे ऐसा ऐसा योजना आता रहे। हाँ, आता रहे। तो ये बताइए अभी आप लोग क्या करते हैं? कुछ ना, इसी मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी का काम करते हैं? ये बताइए इससे पहले आप लोग कैसे रहते थे? कैसे रहते, खपड़ा के घर, मट्टी के घर था, उसमें वो चूता था, चिमचिमी तान के मिला था, चिमचिमी तान के थे, तब टेप के दिए। अब आप लोग कैसा फील करते हैं? अब ठीक से दो रूम बनाए तो इसी में गुजार रहे हैं, मतलब खुश हैं। तो क्या आप प्रधानमंत्री को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको बहुत दुख किए, तब आराम है, तो आगे बढ़े कि हमको भी पढ़ाई बढ़ावेंगे, काम देंगे। बाल बच्चे का बेरोजगार है, पढ़ा गरीब मजदूरी करके बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं, बाल बच्चा बूढ़ा हो रहा है, उम्र जा रहा है, कुछ रोजगार नहीं। मोतिहारी में अपना देश और अपनी माटी का संदेश लेकर चंपारण से श्रीनगर की यात्रा पर 100 युवाओं का एक जत्था निकला। इस दौरान वो हाथों में तिरंगे के साथ दिल में देशभक्ति का संदेश लेकर निकले यात्रियों में कमाल का जोश देखने को मिला। युवाओं ने जमकर नारे लगाए। बता दें कि ब्रावो फाउंडेशन प्राचीन धार्मिक स्थल और मंदिरों का भ्रमण करवाएगी। CMD राकेश पांडे ने इस यात्रा का बीड़ा उठाया है। जो यह चंपारण सद्भावना यात्रा निकली है, यह दिल्ली होते हुए श्रीनगर तक जाएगी और इस यात्रा के लिए ब्रावो फार्मा के CMD श्री राकेश पांडे जी को मैं कोटिशर धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं। उन्होंने चंपारण से 100 लोगों को का एक जत्था बनाकर मोतिहारी जो चंपारण की धरती है वहां से श्रीनगर तक ले जाने का जो उनका मकसद है, यह अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और निराला प्रयास है, क्योंकि इसके माध्यम से चंपारण की जो मिट्टी होती है वह बहुत ही पवित्र मिट्टी है और इस मिट्टी को हम लोग श्रीनगर तक लेके जा रहे हैं। अगली खबर सुपौल से है, जहां बिहार सरकार ने जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की ओर से नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें उनके साथ स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत और बीड़ा भारती भी शामिल हुए। सभी समय से पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, जिससे उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मंत्री के हाथों मिल सके। दरअसल सुपौल जिले में 1288 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है, जिसमें 100 अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है। मुख्यमंत्री का सपना है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिले। जो आज गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े स्केल पर, देश में आज तक इतनी बड़ी बहाली नहीं हुई 1,20,336 टीचर का, उसमें 88% लोग बिहार के हैं और 12% अन्य राज्यों से यहाँ पे आए हैं और आने वाले टाइम में और भी जो रिक्रूटमेंट है वो होगा। जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी या 10 लाख लोगों को रोजगार, जो गांधी मैदान से कहा था, उसी क्रम में ये सारा काम चल रहा है। अगली खबर बाढ़ से है, जहां पंचायती राज की ओर से चलाई जा रही लगभग सभी योजनाओं में लूट चल रही है। बिहार सरकार साल में कई बार सोशल ऑडिट के नाम पर सभी पंचायत में जांच कराती है, लेकिन नल जल की योजनाएं पूरी तरीके से ठप हैं। कचरा नहीं उठाए जाने को लेकर जनता में भारी आक्रोश का माहौल है। वही बरवाने बथोई पंचायत की जनता ने कचरा उठाने के नाम पर सिर्फ बाल्टी पकड़ा देने का आरोप लगाया। नल जल का पानी नहीं आने से वार्ड सदस्य पर राशि के गबन का भी आरोप लगाया गया है। पानी का हम खोदते हैं, पानी नहीं देता है। तो ये जो टंकी लगा हुआ है शोभा के लिए लगा हुआ है? बस कब से ही लगा हुआ है इसी? अभी 2 महीना हुआ, 3 महीना। पानी नहीं आता? पानी नहीं आता, कहियो नहीं आया? नहीं। टंकी भी नहीं लगा हुआ है? नहीं। मोटर है ना अंदर? हाँ, मोटर भी नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? मीना देवी। मोटर चलता फिर खराब हो जाता है, 1 महीना चलता है फिर बंद हो जाता है, फिनो 1 महीना चालू होता बंद हो जाता, इसी पास एक दिन नहीं चला, किरो घर में जाता पानी, कभी किरो नहीं जाता, ये रंगा गया पेंट है,
तभी नहीं बन रहा है कुछ नहीं। पानी नहीं चलता अभी नहीं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। समझिए ग्रहों की चाल, मानव जीवन भी एक सवाल। जीवन की हर समस्या का होगा निदान, हर परेशानी का है अलग समाधान। कौन से करने होंगे जतन जिससे होगा आपका जीवन संपन्न। देखिए समय चक्र पंडित रविशंकर शुक्ला के साथ सिर्फ प्राइम टीवी। सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। सहरसा में अपराधियों को पकड़ने गए पुलिस पर जदयू नेता ने हमला कर दिया। दरअसल टीम पुलिस से मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जदयू नेता ओवेश करनी के घर छापेमारी करने गई थी। पुलिस टीम पर जदयू नेता ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया। इस हमले में 2 दारोगा समेत 5 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, जदयू नेता ने अपने घर के सामने पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकालकर महिला दारोगा रीता कुमारी पर भी छिड़क दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाने से पुलिस पहुंची और जदयू नेता ओवेश करनी को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस टीम जब लौट रही थी तभी दारोगा को जलाने की भी कोशिश की गई। कल हमारे पुलिस ऑफिसर वाहन चेकिंग में बाइक से गश्ती के दौरान बस्ती गए हुए थे। वहाँ पे चेकिंग के दौरान कुछ लड़के से बहस हो गई। वहाँ पे बस्ती कुछ लोगों द्वारा उनके साथ हाथापाई मारपीट किया गया। इस संबंध में काउंट दर्ज कर जब अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु हमारे ऑफिसर बस्ती गए हुए थे तो वहाँ पे एक सूचना मिली थी चुन्ना के घर पे कुछ लोग वो अपराधी लोग हैं। तो पुलिस ऑफिसर गए जांच उच करके, जैसे उनके घर से आ रहे थे तो ओवेश करनी ने चुन्ना के द्वारा हमारे पुलिस ऑफिसर पे बगल में पेट्रोल टैंकी से पेट्रोल लेके उस पर छिड़कते आग लगाने का भी प्रयास किया गया और उनके साथ हाथापाई भी किया गया महिला ऑफिसर के साथ भी बदतमीजी। अब खबर नालंदा से है जहां अनिल ठाकुर ने थाने में आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार गांव में उनके दादा के नाम से 20 डिसमिल जमीन है, साथ ही गांव का एक बसो मिया जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अंचल में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसने कार्रवाई का अनुरोध किया है। अनिल ठाकुर ने बताया कि मेरे घर के बगल में खाली जमीन मेरे परदादा के नाम से है, इस जमीन पर मेरा कब्जा भी है और बता दें कि अस्थावा अंचलाधिकारी के पास भी आवेदन दिया गया था मगर किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं की गई है। हम लोग के साथ में घटना यही हुआ है कि मतलब कि हम लोग घर द्वार बनाना चाहते हैं, फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं, तंग पहचान करते हैं, धमकी देते हैं या फिर सरपंच के यहाँ बोलते हैं कि हम उसको बहुत गोली मारेंगे या करेंगे, अपना जमीन हासिल करेंगे या करेंगे वह करेंगे। अब कर्मचारी के भी मतलब कि पैसा दे रखे हैं, सीओ के पैसा दे रखे हैं, सीओ के दे रखा है पैसा। ये बासे मियाँ बोलता है, वही वही आपके भी है। कौन है बासे मियाँ? मियाँ जी है, गाँव का है। गाँव का है ये हमारा, जिसे बाबा दादा का खेत है। कौन ये? जिसे हमारा गोतिया भी है, वहाँ पे हमारा भी घर है, हमारा बाजू में ही घर है सर, ठीक है ना? कहाँ पर? कौन सा गांव? ओयाव गांव पड़ता हमारा सर, थाना अस्थावा पड़ता, जिला नालंदा ही पड़ता। तो बासे जो मियाँ है उसमें हम खेत में सब दिन पहले बकरी पटरू भी बांधते थे सर, उसमें हम बैगन जो भी बोना होता हम बोते हैं सर। लेकिन ये बासे मियाँ जो है बोलता है कि ये मेरा खेत है, और उनके पास पैसा है सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे सर? वो लोग हैं जो
सीओ के जिनको जिनको होता है पैसा देते हैं, हम लोग को सर बुलाते हैं, अस्थामा आइए आम सभा लगाएंगे, तो आम सभा में जाते हैं सर, तो उसका कागज देखता है सीओ लोग, हमारा कागज ही नहीं देखता है सर, तो बताइए। और उसके बाद सीओ उससे पैसा लेके और उसका कागज फर्दी बना दिया। हमको फिर कर्मचारी भी बुलाया था ना सर कि आप कागज लेके आइए, हम आपका काम देखेंगे। तो कर्मचारी जो है हमारा कागज का फोटो लेके, कर्मचारी फोटोकॉपी जी, कर्मचारी उसका टू कॉपी उसका डुप्लीकेट कागज बना दिया मियां जी। खबर सहरसा से है, जहां बीपीएससी से अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पंचायती राज मंत्री और जिले के आला अधिकारियों की ओर से नव नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित परिणाम के बाद प्रेक्षागृह में 325 शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मौके पर मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में रोजगार देने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा किया गया है। हम ही नहीं देख रहे, पूरा बिहार देख रहा है, देश देख रहा है। ये बिहार के लिए गौरवशाली क्षण है कि आज 1,20,000 कुछ शिक्षकों का सीधे नियुक्ति पत्र आज गांधी मैदान और अन्य जिलों से सभी जगहों से वितरण की जा रही है। बिहार का जो स्वर्णिम विकास का जो कहा जाएगा श्रेणी, आज इससे पहले भी शुरुआत थी लेकिन आज जो हुई है ये एक स्वर्णिम विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। और जो हमारे शिक्षक बीपीएससी से क्वालिफाई होकर के आज आए हुए हैं, निश्चित तौर पर जब विद्यालय में जाएंगे तो इस बिहार के विकास के लिए जो नई पीढ़ियों का जिस तरह से विकास होनी चाहिए, जिस तरह से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, जैसा कि आप ही लोग मीडिया कर्मियों के द्वारा होती थी कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर पड़ी हुई, कुछ कमजोर है हमारे पंचायत शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के माध्यम से, तो सरकार ने ये अच्छी निर्णय लिया है। और सुपौल में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक 60 साल के बुजुर्ग पर लाठी से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले 1-1.5 सालों से पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, फिर पड़ोसी से ही विवादित जमीन को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने बुजुर्ग के सिर पर हमला कर दिया। घटना के संबंध में SDPO विपिन कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जमीन का विवाद में वो लोग मार दिया है, कोई आदमी हम लोग नहीं थे, ठीक ना, सब सोए हुए थे, बड़े पापा गए, ठीक ना, ये चपेट में पकड़ा गया, लोगों को मार दिया। कौन मारा है? ये बगल का है, कौन सी कहते, भूपेंद्र नाम है लड़का का। क्या मामला था? मामला था जमीन विवाद का। कब से चल रहा था जमीन विवाद? जमीन विवाद चल रहा है साल भर, 1.5 साल से। तो जमीन जबकि उसका नहीं है, ठीक है, फिर भी ये लोग मतलब कब्जा कर रहे, जबकि सब कुछ हो गया, अब वो खुट्टा करने गया, जब उसका आपका जमीन नहीं था, खुट्टा क्यों गाड़िएगा वहाँ? तो बस इसी का मैं गया, ठीक ना, इधर से जब इधर रिटर्न हुए तो पीछे से माथा पे चला दिया वो लोग लाठी। विजेंद्र मेहता, 60 साल उम्र, पिता का नाम स्वर्गीय देव नारायण मेहता, फुलकाहा वार्ड नंबर 6 पंचायत त्रिवेणीगंज के पेशेंट आए हैं, जो कि जिनको हमने एग्जामिन किया तो कुछ ना पल्स बीपी, कोई हार्ट स्ट्रॉक नहीं, और फिर आपका भी एग्जामिन किया तो बिल्कुल फिक्स्ड एंड डायलेटेड है और ये ब्रॉडबैंड केस है। अब नालंदा से खबर है, जहां पिछले 13 अक्टूबर को यूट्यूबर हराधन कुमार की गला रेत कर हत्या की गई थी। निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसके पूर्व के एक शिक्षक ने प्रेम प्रसंग की वजह से की थी। दरअसल एक ही युवती से मृतक और आरोपी शिक्षक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी के चलते उसने हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी सोसदी गाँव में ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था, वो युवती और मृतक हराधन को पढ़ाया करता था। इसी बीच उसे एक युवती से प्यार हो गया, प्रेम प्रसंग में वो अपने शिक्षक के साथ 2 बार गाँव से फरार हो चुका था। वही पुलिस ने आरोपी तक पहुंचकर मामले का खुलासा किया। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष नंदन कुमार सिंह और अमित कुमार सिंह शामिल थे। खबर नालंदा से है, जहां बदमाशों ने SBI की शाखा प्रबंधक के घर से घुसकर 10 लाख की डकैती कर ली। घटना के संबंध में बैंक कर्मी श्रीकांत ने बताया कि 10 की संख्या में नकाबपोश हथियार से लैस होकर डकैत घर के अंदर घुसे थे और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया था। इसका विरोध करने पर डकैतों ने घर वालों के साथ मारपीट की और डकैती की घटना की पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। डकैतों ने घर वालों को यह भी धमकी दी कि अगर उनके ओर से थाने में
कोई FIR दर्ज कराई जाती है तो उनके परिवार को भी गोली मार दी जाएगी। इस घटना के बाद पुलिस के गश्त पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बातचीत के दौरान और घर पर और परिवार में लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि 8 से 10 की संख्या में लोग आए थे यहाँ पे और रात में वही 12:30 के आसपास में जो है वो लोग आकर के 3 बजे सुबह तक जो है लूटमार किए हैं और थोड़ा सा पिताजी को भी चोट आया है, बहन के गर्दन से जो है चैन खींच लिया है तो उसमें जो है निशान आया है। कितना का डकैती हुआ है? 8 से 10 लाख के आसपास का आकलन हम लोग अभी तक कर पाए हैं कि इतने तक का जो है। धमकी क्या दिया? इसमें पिताजी तो बोलते हैं कि जिस समय जो है उनको ये कह रहा था कि चुपचाप रहो नहीं तो फिर जो है तुमको गोली से मार देंगे, और जाते जाते ये बोल करके गया है कि अगर FIR नहीं करना है, अगर FIR किए तो उस स्थिति में तुम्हारे जो है पोती जो है वो जिस स्कूल में पढ़ती है हमको पता है, हम लोग उसको अगवा करके उसको भी गोली से मार देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब।